मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने सुबह अचानक ईमान को अपने घर के दरवाजे पर देखा। एक्चुअली आंटी, मैं उसे खुद छोड़ने वाला था, फिर दानियाल भाई ने कहा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है कि इसे इतनी केयर करने वाले लोग मिले। पुप्पो की तो जान है ईमान में। वैसे सच बात है, तुम्हारी पुप्पो बहुत अच्छी खातून है, नेक, नफीस और सबसे मोहब्बत करने वाली। वो मुझ में और दानियाल भाई में कोई फर्क नहीं रखती। चलें? अरे ऐसे कैसे चलें? तुम दोनों खाना खा के जाओगे यहाँ से। आंटी, फूफो ने कॉल किया था, उन्होंने स्पेशली चाइनीज बनाया ईमान के लिए। अरे वाह, आप ही का फेवरेट। मैं बैग लेके आती हूँ। बेटा ईमान अब तो खुश है ना वहाँ? जी अंकल, अब चीजें काफी नॉर्मलाइज हो गई हैं। मैं आप लोगों से बहुत माजरा चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत डिसअपॉइंट हैं, लेकिन यकीन जाने ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। एक्चुअली पप्पू ने हमें कभी एहसास ही नहीं दिलाया कि हम उनकी सगी औलाद नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, वो बात तो खत्म हो चुकी है। वैसे तो हमने खुद ही देख लिया था कि आपकी पप्पू वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बस हम तो इस बात पे खुश हैं कि ईमान अपने घर में आबाद है। ले ईमान आ गई। ओके जी। हाँ हाँ, अरे आओ ना, आओ आओ, आओ चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो। ईमान, ख्याल रखना। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो? क्या बात करूं, आपने तो मुझे शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने ऐसे क्या कर दिया? क्या जरूरत थी, ये पटीचर सी गाड़ी उठा के ले आए, सबके सामने शर्मिंदा करवा के रख दिया मुझे। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, शर्मिंदा तो तुम तब होती जब तुम्हें कोई इंकशाफ होता कि मैं एक बुरा इंसान हूं, या मेरा किसी और औरत से अफेयर चल रहा होता, या मैं ड्रग्स ले रहा होता। तो वो भी करके देखे, रोका थोड़ी आपको किसी ने। सोच लो, फिर खुद ही रोती फिरोगी। मैं क्यों रोऊंगी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, उसी वक्त आपको छोड़ के चली जाऊंगी। जानता हूं। क्या मतलब है जानते, मुझे तंज करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। मैं तंज नहीं कर रहा, लेकिन इतने दिन साथ रहकर इतना तो तुम्हें जान गया हूं कि तुम्हें लोगों से ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं। गाड़ी रोके इसी वक्त, अभी। मान आहिस्ता बोलो, रोड पर हैं यार। मैंने कहा गाड़ी रोके अभी। मान, क्यों? अगर आप गाड़ी नहीं रोकेगी तो मैं। अरे मान। अरे ईमान, ईमान हमसे सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? छुए मुझे। मान, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम गाड़ी से उतर रही थी इसलिए मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। तो उतर जाने देते, मर जाने देते मुझे। क्यों कर रही हो ऐसे मेरे साथ? आप मुझे मेरी अम्मी अबू के घर छोड़ के आए इसी वक्त। पागल हो गई हो तुम, वो लोग परेशान हो जाएंगे। हो जाने दे। बस बहुत हो गया, अब शराफत से बैठो, मैं गाड़ी चला, मैं कोई तमाशा नहीं बर्दाश्त करूंगा। That's it.